नमस्कार, क्या आपको पता है भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर पंचमी तिथि का चंद्रमा ही क्यों धारण किया है? उन्होंने भगवान शिव तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो चाहते तो पूर्णिमा के पूर्ण गोल वाला चंद्रमा भी अपने मस्तिष्क पर लगा सकते थे। वो चाहते तो अमावस्या के दिन शून्य वाला चंद्रमा भी अपने मस्तिष्क पर लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने पंचम तिथि का चंद्रमा ही अपने मस्तिष्क पर क्यों लगाया? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे दो कारण है। पहला, पौराणिक मान्यता देखेंगे अपन, जो शिव महापुराण में लिखी हुई है। सेकंड, वैज्ञानिक कारण भी देखेंगे। पौराणिक मान्यता, शिव महापुराण तो कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा इसलिए धारण किया है कि भगवान शिव ने कंठ में विष धारण कर रखा है। तो ये जो चंद्रमा है ना, भगवान शिव को शीतलता प्रदान करता रहता है, इसीलिए भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण किया है, ताकि उनके गले में जो विष है उसका प्रभाव कम है और इसका जलन कम हो। चंद्रमा उनको शीतलता प्रदान करता रहता है। अब वैज्ञानिक कारण जानेंगे कि आखिर भगवान शिव ने पंचम तिथि का चंद्रमा ही अपने मस्तिष्क पर क्यों लगाया? आइए देखते हैं। मस्तिष्क पर पंचमी का चंद्रमा ही क्यों? एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ये धरती और चंद्रमा, कहते हैं ना कि धरती को माता का रूप दिया है और चंद्रमा को मामा का, दोनों को भाई बहन का रिश्ता है। क्यों कहा गया है? इस धरती पर चंद्रमा के बिना जीवन संभव नहीं है, यह तो खुद वैज्ञानिक भी मानते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर चंद्रमा ना हो तो इस सृष्टि पर, इस धरती पर इंसान नहीं रह सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है चंद्रमा के बिना। चंद्रमा के कारण समुद्र में हलचल होती है, ज्वार भाटा आता है। आपको पता है ये जो मून होता है, इसी के कारण इस धरती पर समुद्र में हलचल होती है और ज्वार भाटा आते हैं। अगर यह ना होना तो पृथ्वी पर समुद्र में हलचल ना हो। चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। इसी चंद्रमा के कारण धरती पर ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। अगर चंद्रमा ना होना तो इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा। चंद्रमा के प्रभाव पर प्रतिदिन पृथ्वी पर बदलता रहता है। जो ये चंद्रमा है ना, उसका प्रभाव पृथ्वी पर प्रतिदिन बदलता है। अमावस्या के दिन शून्य हो जाता है प्रभाव, और वही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बलवान हो जाता है और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पंचम तिथि पर चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर विष का प्रभाव कम हो जाता है। एक बार नोट करना आप, जिस दिन पंचमी तिथि होती है ना, उस दिन इस धरती पर चंद्रमा के कारण विष का प्रभाव सबसे कम होता है। उस दिन विष इतना शक्तिशाली नहीं रहता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। और उसी दिन, आपको पता है, पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है, नाग देवता की पूजा होती है पंचमी के दिन ही। और आपको यह भी जानना होगा कि बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती इस प्रकृति पर, इस धरती पर रंग भरती हैं। तो उन्होंने भी पंचमी तिथि को ही चुना, और उसी पंचमी तिथि को ही। ध्यान रखना, खुद वैज्ञानिक इस बात को माने हैं कि प्रकृति इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है। जब पंचमी तिथि होती है ना, उस दिन पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है, पृथ्वी शांत रहती है। उसी दिन योग साधना सिद्धि तपस्या या किसी शुभ कार्य के लिए चुना जाता है, पंचमी तिथि के दिन ही। इस दिन को शुभ माना गया है, इस दिन योग साधना सिद्धि तपस्या या कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। तो अब आप देखना कि भगवान ने पंचम तिथि का चंद्रमा क्यों लगाया? इसके कारण से पंचम तिथि के दिन चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण विष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इसी कारण से भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा लगाया है पंचम तिथि का, क्योंकि
जब पंचम तिथि का चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर रहता है ना, तो विष का प्रभाव बहुत कम रहता है। और आपको पता ही है कि भगवान शिव के गले में, कंठ में विष भरा हुआ है, तो पंचम तिथि के चंद्रमा के कारण उस विष का प्रभाव भगवान के गले में बहुत कम रहता है। भगवान को गले को बहुत कम जलन करता है और उस विष को चंद्रमा शांत करने का काम करता है। इस कारण से भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर पंचम तिथि का चंद्रमा लगाया है।